हेलो बच्चों, आज हम स्वर सुलेख सीनियर केजी क्लास के लिए हिंदी का भाषा अभ्यास स्टार्ट करने वाले हैं। नर्सरी और जूनियर केजी क्लास में आपने हिंदी वर्णमाला का अभ्यास किया है, तो आप भली भांति जानते हैं वर्णमाला में हिंदी के जो अक्षर हैं। तो अभी आज हम पुनर्अभ्यास करेंगे बिना मात्रा वाले शब्द। आपको पढ़ते पढ़ते लिखना है सारे अक्षरों को और उन अक्षरों को मिला के जो शब्द बने हैं उनको भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है पहला शब्द, देखिए क्या है ये, श से शलगम, और ये क, श क से कमल। दोनों मिला के क्या होता है, श क, श क। शक यानी क्या, डाउट। आपको अगर कोई भी शंका है, डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया तो उसको क्या बोलते हैं, शक। तो चलिए देखते हैं इस लेटर को कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो आप सीधी रेखा, लेटी रेखा खींच लीजिए, उसके बाद सीधी रेखा, उसके बाद ऊपर से स्टार्ट करना है आपको सर्कल बना के नीचे, फिर यहाँ पे सर्कल बना के फिर से नीचे। ये हो गया श से शलगम। तो क कैसे लिखेंगे, सीधी रेखा, खड़ी रेखा, उसके बाद यहाँ से मिडिल लाइन से स्टार्ट करते हुए सर्कल, और फिर उसको क्रॉस करके आगे जाके थोड़ा सा मुड़ना है। तो ये हो गया शक। तो आपको ये शब्द भी पढ़ते पढ़ते लिखना है, शक, 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 शक। अभी ये तो ये डॉटेड हो गए, नीचे कैसे लिखेंगे, देखिए पहले लेटी रेखा, उसके बाद खड़ी रेखा, उसके बाद ऊपर से सर्कल, फिर थोड़ा नीचे आएंगे कर्व करके, फिर थर्ड लाइन को टच करेंगे। ओके, श और क कैसे लिखेंगे, खड़ी रेखा, सर्कल, और खड़ी रेखा को पार करके आगे जाके थोड़ा मुड़ना है, शक। इस तरीके से लिखेंगे। दूसरा वर्ड क्या है देखेंगे, क्या है, ढ से ढक्कन, क से कमल। तो दोनों मिला के क्या होता है, ढक। कोई भी चीज़ है जिसे हम ढक के रखते हैं, ओपन नहीं रखते। जैसे हम कुछ भी खाने की चीज़ है तो अगर उसे ओपन रखेंगे तो उसके ऊपर बैक्टीरियाज बैठ जाएंगे, कीटाणु बैठ जाएंगे, इसलिए हम सारी चीज़ें ढक के रखते हैं ना। तो इसीलिए ये शब्द जो है कैसे लिखना है, देखिए सबसे पहले लेटी रेखा, फिर थोड़ी सी खड़ी रेखा, फिर उसके बाद हाफ सर्कल करके अंदर ले जाके फिर से एक सर्कल बनाना है छोटा सा। क, क तो लिखना मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि खड़ी रेखा, फिर हाफ सर्कल, और आगे जाके फिर कर्व। इस तरीके से ये वर्ड लिखना है आपको, शब्द लिखना है आपको, ढक। कैसे, सीधी लेटी रेखा, खड़ी रेखा, हाफ सर्कल, देन सर्कल। ओके, क से कमल। तो दोनों मिला के क्या हो गया, ढक। नेक्स्ट वर्ड है देखिए, न से नल, थ से थर्मस। दोनों मिला के क्या हो गया, न थ, जो नाक में पहनते ना हम, जब कोई महाराष्ट्रियन ड्रेसिंग करेंगे आप तो उस टाइम पे जो ड्रेसिंग के साथ आप आपके नाक में पहनेंगे ना, उसको बोलते हैं नथ। देखिए नथ कैसे लिखते हैं, खड़ी रेखा, सीधी रेखा, उसके बाद सीधी रेखा, हाफ सर्कल, और इस तरीके से खड़ी रेखा को आपको मिलाना है। थ कैसे लिखेंगे, देखिए खड़ी रेखा, उसके बाद सर्कल, र से रथ के जैसा, लेकिन खड़ी रेखा को यहाँ पे लाके आपको मिलाना है, न से नथ। देखिए फिर से खड़ी रेखा, फिर सर्कल, मिला दिया, खड़ी रेखा, सर्कल, फिर से मिला दिया, न से नथ।
नेक्स्ट वर्ड है, देखिए क्या है, क्या है, व से वजन और क से कमल। फिर से तो दोनों मिला के क्या होता है, वक। वक यानी क्या, बतख, डक, तो उसको वक बोलते हैं हिंदी में। देखिए खड़ी रेखा, उसके बाद एक हाफ सर्कल खड़ी रेखा को देना है आपको, तो ये बन गया व से वक। क तो लिखना आपको मैंने पहले ही बता दिया है, खड़ी रेखा इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कैसे लिखना है। नथ, जहाँ पे डॉटेड लेटर्स नहीं दिए हैं, देखिए सबसे पहले लेटी रेखा, उसके बाद खड़ी रेखा, यहाँ से सर्कल बना के येलो लाइन है फ्रंट, वहाँ से फिर आपको खड़ी रेखा को मिलाना है। थ भी वैसे ही, सबसे पहले खड़ी रेखा, फिर यहाँ पे सर्कल, र से रथ के जैसा थोड़ा हाफ सर्कल, बाद में हाफ सर्कल कर्व लाइन करते हुए खड़ी रेखा को मिलाना है। व से वक, देखिए लेटी रेखा, खड़ी रेखा, हाफ सर्कल, क से कमल, कैसे लिखते हैं, खड़ी रेखा, हाफ सर्कल और ये हाफ सर्कल। ओके, नेक्स्ट वर्ड है दल, कैसे लिखेंगे, देखिए द से दवात और ल से लट्टू, दोनों मिला के क्या हो गया, दल। तो इसको भी कैसे लिखेंगे, लेटी रेखा, खड़ी रेखा, हाफ सर्कल और अंदर घुमा के गोल करके फिर नीचे आना है। ओके, ल से खड़ी रेखा, हाफ सर्कल और फिर से एक हाफ सर्कल, दल। देखिए लेटी रेखा, सीधी रेखा, हाफ सर्कल, अंदर ले जाके सर्कल करके नीचे, द। और ल कैसे लिखेंगे, इस तरह से। ये सारे वर्ड्स लिखना भी है और आपको पढ़ना भी है। शक, ढक, नथ, वक, दल। अभी इसके नीचे जो वर्ड्स दिए हैं वो भी हम देख लेते हैं। क्या है ये, भ से भंवर, र से रथ, दोनों मिला के क्या हो गया, भर। पानी भरते हैं ना हम, जैसे नोटबुक भरते हैं उसी तरीके से। देखिए नोटबुक कैसे भरते हैं, पानी से थोड़े ना भरते हैं, नोटबुक हम लिख के भरते हैं। ओके, देखिए जैसे पेट भर के खाना खाते हैं वैसे ही आपको अभी भर वर्ड लिखना है। स्लीपिंग लाइन, लेटी रेखा, फिर खड़ी रेखा, उसके बाद यहाँ से सर्कल बनाना है, फिर नीचे आके फिर यहाँ पे एक सर्कल बनाना है और ये खड़ी रेखा को मिलाना है। ये हो गया र से रथ, दोनों मिला के क्या हो गया, भर। तो ये डॉटेड हो गया, नीचे कैसे लिखेंगे, लेटी रेखा, खड़ी रेखा, हाफ सर्कल, सर्कल, फिर नीचे फिर सर्कल करके फिर से लेटी रेखा। देखिए भ हो गया र के लिए, सीधा ऊपर से थोड़ा कर्व, फिर अंदर मुड़ के नीचे ले जाना है, भर, भर। अभी नेक्स्ट वर्ड है म से मछली, न से नल, दोनों मिला के क्या हो गया, मन। देखिए कैसे लिखते हैं, लेटी रेखा, खड़ी रेखा, फिर से एक खड़ी रेखा, फिर एक सर्कल बना के खड़ी रेखा को ज्वाइन करना है, मिलाना है। न से नल, खड़ी रेखा, सर्कल बना के खड़ी रेखा को मिलाना है। ये हो गया म से मन। नीचे देखिए सीधी लेटी रेखा, खड़ी रेखा, फिर से खड़ी रेखा, सर्कल, म, और न के लिए सर्कल, लेटी रेखा, न, म, न। देखिए यहाँ पे क्या है, फ से फल, न से नल, दोनों मिला के क्या हो गया, फन। जो सांप होता है ना उसको होता है फन। लेटी रेखा, फिर से खड़ी रेखा, फिर से स्टार्टिंग खड़ी रेखा और बाद में उसको क से कमल की तरह आपको घुमाना है। न से नल वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले बताया था उस तरीके से। नीचे देखिए कैसे लिखते हैं, सी लेटी रेखा, खड़ी रेखा। अभी देखिए
लेटी रेखा, खड़ी रेखा, उसके बाद फिर से खड़ी रेखा, सर्कल घुमा के लेटी रेखा और खड़ी रेखा को हमको उसे मिलाना है। ल से लट्टू कैसे लिखते हैं देखिए, खड़ी रेखा, हाफ सर्कल, अगेन हाफ सर्कल, ओके। क्या हो गया, म ल मल। अभी फिर से नीचे देखिए, ये तो डॉटेड लेटर्स हो गए, नीचे लाइंस में कैसे लिखेंगे, लेटी रेखा, फिर से खड़ी रेखा, सीधी खड़ी रेखा, फिर से सर्कल बना के लेटी रेखा और खड़ी रेखा को हमें मिलाना है। ल से लट्टू, खड़ी रेखा, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, इस तरह से म ल। अभी देखिए यहाँ क्या है, छ से छाता और त से तलवार, लेकिन यहाँ पे छ लिखने का जो पैटर्न है वो थोड़ा अलग बताया है, लेकिन हमें ऐसे ही लिखना है, चाहे हिंदी हो या मराठी हो, दोनों में पहले हाफ सर्कल, फिर हाफ सर्कल, आगे ले जाके यहाँ पे सर्कल बना दीजिए और ऊपर से एक छोटी सी खड़ी रेखा खींच दीजिए, बाद में त से तलवार। कैसे लिखना है, खड़ी रेखा, फिर लेटी रेखा और फिर से नीचे खड़ी रेखा की तरह स्लैंटिंग लाइन, थोड़ी तिरछी रेखा हमें यहाँ पे चाहिए। छ लिखते वक्त ध्यान रखिए, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, सर्कल बना के फिर से यहाँ पे खड़ी रेखा देना है। इसी तरीके से आप छ से छत लिखेंगे, चाहे आप पहले रेखा खींच लीजिए या चाहे आप पहले लेटर्स लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। सारे वर्ड्स आप जब लिखेंगे उसी टाइम पे आपको रीड भी करना है, जैसे देखिए, शक, ढक, नथ, वक, दल, भर, मन, फन, मल, छत, ओके। इस तरह से पढ़ते पढ़ते आपको ये पूरी क्लास वर्क पुनरभ्यास कंप्लीट करना है, ओके। दैट्स इट फॉर टुडे।